दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने अपनी क्षमता का सबूत देते हुए एक और काफी बड़ा कारनामा करके दिखाया है, जिसके बारे में किसी को भी उम्मीद नहीं थी। भारतीय वायुसेना ने अपनी दो मिसाइलों का इस्तेमाल कुछ ऐसे अनोखे तरीके से करके दिखाया है, जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान के भी होश उड़ गए हैं। भारत ने इन दो पुरानी मिसाइलों से एक ऐसा नया सिस्टम तैयार कर लिया है, जो कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सहायता करने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लेकिन इसके लिए लोगों के ओपिनियन एक दूसरे से काफी अलग हैं। दरअसल दोस्तों, भारतीय वायुसेना की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया है कि भारत ने अपने पास मौजूद पुराने हो चुके R-27 और R-73 मिसाइलों का इस्तेमाल करके एक नया एयर डिफेंस सिस्टम बना दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि ये दोनों ही मिसाइल असल में एयर टू एयर यानी कि एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, लेकिन भारत ने फेरबदल करके उन्हें जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में तब्दील कर दिया है, जिसकी सहायता से एक नया एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम समर है उसका निर्माण किया गया है। यानी कि भारतीय वायुसेना ने अपने पास मौजूद पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल नया एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर दिया है। ये नया समर एयर डिफेंस सिस्टम R-27 और R-73 मिसाइलों से लैस है, लेकिन इनके रडार और दूसरे उपकरणों के बारे में अभी कोई जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर ये सच में एक कारगर सिस्टम बनकर सामने आता है तो इस एयर डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता 80 किलोमीटर तक की हो सकती है। दोस्तों, R-27 एक हवा से हवा में मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, जिसे की भारतीय वायुसेना के कई फाइटर जेट इस्तेमाल करते आए हैं। ये मिसाइल काफी ज्यादा इफेक्टिव और शक्तिशाली मानी जाती है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 80 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा R-73 मिसाइल शॉर्ट रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर की है, और ये मिसाइल लगभग 8 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, जहां एक तरफ ये दोनों ही मिसाइल अपनी श्रेणी की सबसे शक्तिशाली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में से एक है, लेकिन इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि ये दोनों ही मिसाइल अब काफी पुरानी हो चुकी है और इन्हें मौजूदा युद्ध के हालातों में इस्तेमाल कर पाना ज्यादा अच्छा ऑप्शन बनकर सामने नहीं आएगा। हालांकि भारत के पास आज के समय में ज्यादा एडवांस मिसाइलें मौजूद है, जिसके तहत भारत अपना स्वदेशी अस्त्र मिसाइल विकसित कर चुका है। भारत का स्वदेशी अस्त्र मिसाइल इतना ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है कि ये दुश्मनों के फाइटर जेट को 100 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी पर तबाह करने में सक्षम होगा। साथ ही इसके हमले से दुश्मन का बच पाना भी काफी मुश्किल होने वाला है। ऐसे में जब भारत पहले से ही एक स्वदेशी और ज्यादा अच्छे मिसाइल को विकसित कर चुका है, वहीं पर मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के सामने मौजूद चुनौतियों को देखते हुए पुराने R-27 और R-73 मिसाइलों को इस्तेमाल करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। इसीलिए भारत ने इन मिसाइलों के सही इस्तेमाल करते हुए एक नया एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। हालांकि जहां एक तरफ इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि ये नया समर एयर डिफेंस सिस्टम काफी कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है, लेकिन वहीं पर इसकी मारक क्षमता के ऊपर भी कई एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए हैं। ऐसे में ये देखना काफी अहम होने वाला है कि क्या यह एयर डिफेंस सिस्टम सच में ऑपरेशनल बन पाता है या फिर केवल एक आइडिया बनकर ही सीमित रह जाता है, क्योंकि इस एयर डिफेंस सिस्टम के विरोध में कई सारी बातें मौजूद हैं, जैसे कि भारत के पास पहले से ही ऐसे कई सक्षम और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो कि इससे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि पुरानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में बदलना एक इनोवेटिव आइडिया है, लेकिन ये ज्यादा रिलायबल नहीं बन सकता क्योंकि आखिरकार इसमें लगने वाली मिसाइल पुरानी है और उन्हें इस काम के लिए विकसित नहीं किया गया जिसमें इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि अभी भी समर एयर डिफेंस सिस्टम कुछ खास जगहों पर काफी इफेक्टिव साबित हो सकता है, लेकिन इन पर ज्यादा भरोसा करना फिलहाल के लिए अच्छा नहीं होगा जब तक के लिए इनके बारे में और जानकारी निकल कर सामने नहीं आती या फिर हमें इस बात का अंदाजा नहीं लग जाता कि यह एयर डिफेंस सिस्टम सच में कितना सक्षम है। भारत को कई अलग अलग तरह के हवाई खतरों का सामना करना है, जिसमें मिसाइलों से लेकर फाइटर जेट और यहाँ तक कि कई छोटे ड्रोन का हमला भी शामिल है। ऐसे में भारत के पास विश्व स्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम होना काफी ज्यादा अहम है, जिसके लिए भारत ने साल 2018 के अक्टूबर महीने में लगभग $5.4 अरब की कीमत पर 5 रेजिमेंट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदी थी, जिनकी डिलीवरी अब रूस के द्वारा शुरू हो चुकी है और कुछ रेजिमेंट ऑपरेशनल भी हो चुकी है। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सभी रेजिमेंट साल 2023 के अंत तक भारत को मिल जाएंगे, जो कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता को बढ़ाने में एक काफी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारत द्वारा जो ये नया एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम समर है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।